सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और एक खुशखबरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस की वैकेंसी आई थी उसके लिए अप्लाई किया था, तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है कि उनके एप्लीकेशन स्टेटस दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं, किनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किनका रिजेक्ट हुआ है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। चूंकि एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले एक या दो महीने में इसका एग्जाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले जाएंगे आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जो है www.dillipolice.nic.in। वहां जाने के बाद आप यहां ये रिक्रूटमेंट जो पेज है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर ही आ रहा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2017। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो खुल जाएगी और इसमें आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट और लास्ट डेट लिखी हुई है, साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है उस पर लिखा हुआ है टू बी इंटीमेटेड, यानी जल्दी ही आएगी। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ जो दिया हुआ है आई कंफर्म दैट आई हैव रीड अंडरस्टैंड द अबव इंस्ट्रक्शंस और उस पर आके आपको प्रोसीड करना है। और जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो आ जाएगी, यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना जो भी स्टेटस है आपका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथियों कैप्चा होगा वो भी आपको यहाँ भरना होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ अपना कैप्चा लिखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे यहाँ आ रहा है CWNL ऐसे ही वहाँ कुछ और आ रहा होगा, आप उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अब एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है तो आप पूरी तरह मानिए कि अगले एक या दो महीने में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद अब बन रही है। तो दोस्तों अगर आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।